ले तो सही रहेगा। आदत वाला तो क्या मूसलाधार बारिश हो रही है। तो हम लोग हर्षिल पहुंच चुके हैं और हमारे को एक कैंपिंग लोकेशन भी मिल गई है और यहाँ से जो है व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी बारिश आ रही है, बादल हो रहे तो दिख नहीं रहा है, तो अभी यहाँ पे लगाएंगे हम टेंट। बहुत ठंड हो रही है, हम जा रहे हैं पानी लेने। तो अभी हम लोग हैं आजाद मार्केट वाले टेंट के अंदर और बाहर देखो यार क्या खतरनाक मौसम हो रहा है। और अभी हम जो है लंच कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने पराठे लेकर आए हैं, पनीर बनाए, इसको खाते हैं। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6, तो डिनर में तो थोड़ा टाइम है, उससे पहले हम बना के खा लेते हैं पकौड़े, ब्रेड के पकौड़े बनाएंगे। सामने बहुत ही शानदार व्यू है हमारे, लेकिन हम अंदर ही बना रहे हैं क्योंकि मौसम बिल्कुल ख़राब है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो अंदर रहना ही बेटर है। आज हम आपको खिलाते हैं बेसन के पकौड़े। ओरिगैनो डाल दिया मैंने, ओरिगैनो। थोड़ा थोड़ा डालना है ना, ज्यादा नहीं डालना है। क्या तो इसमें डाल दे मग में, मैं कुछ डालता रहूंगा फिर। हाँ भर दे पूरा, साफ है यहाँ।
तो भाई लोगों हमारे बन चुके हैं पकोड़े, ये ब्रेड पकोड़ा और ये है गोभी का पकोड़ा। तो खाते हैं भाई, अंधेरा भी हो चुका है ऑलमोस्ट। ये देखो सामने अंधेरा होने वाला है। कैसा बना मुबारक? बढ़िया बना भाई, उम्दा उम्दा। चाय की कमी है बस, पकौड़ों में स्वाद आ गया भाई आज। गरम कटा लो थे, केचप होती या फिर हरी धनिया की चटनी होती, आहा मजे आया था। वो ले लेना चमचा, सूखा अभी तो। इकट्ठे डाल देना सारे, चार पांच डाल दे एक साथ। हाफ डन तो हो ही चुके हैं वो। कच्चे गोभी के थोड़े कच्चे रह गए, ज़्यादा देर फ्राई नहीं हो पाया, ऑयल थोड़ा कम रह गया। इस बार लद्दाख जाऊँगा ना, पकौड़े वाला सामान लेके जाऊँगा, मज़ा आएगा। तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, पूरा अंधेरा हो चुका है और डिनर हमारा हो चुका है। हमने पकोड़े खाए, आपने देख ही लिया अभी। तो बाहर जो है फुल बादल हो रखे हैं, तो स्टार्स वगैरह को कोई टाइम लैप्स बन नहीं पाएगा। आगे की जो कहानी है वो कल सुबह आपको पता लगेगी क्या होने वाला है, रात को कैसा मौसम रहता है। अगर कुछ अपडेट होगी तो रात को बताऊँगा, नहीं तो सुबह बात करते हैं। तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं यार, और देखो बाहर पूरा वाइट हो चुका है एकदम, बर्तनों में भी बर्फ़ जम गई है। तो मुबारक और मैं अभी इसी टाइम में आ गए हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा हो रही है, और यहाँ पे ना धार नदियाँ भी बहने लग गई है। टेंट बहने वाले हैं टेंट बहने वाले हैं मतलब यार, तो ना एक्सट्रीम कंडीशन हो गई है एकदम। लेकिन अभी 2 घंटे हैं सुबह होने में, सुबह हो जाए तो थोड़ा मतलब दिखेगा ना हमें क्या सिचुएशन है बाहर की। अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो बस वेट कर रहे हैं सुबह होने का। तो सामान पैक तो हो नहीं पाएगा अभी, क्योंकि बारिश इतनी तेज है। आदत वाला तो गया, मूसलाधार बारिश हो रही है। अरे भाग भी नहीं सकते भाई इतने में। भाई साहब बांधना भूल गए टेंट में, भाई पकड़ जाएगा, पकड़ लेते पानी भी हवा है, हवा है। अरे हवा हवा है भाई, मैं बाहर जा रहा हूँ। पानी भी है भाई, आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा थोड़ा है। अब खुल जाएगा यार, पूरा उड़ जाएगा, इस पकड़ूंगा ना बाहर से मैं। मत भी जो है मुबारक है अपने टेंट में, सब सामान जो है हम समेट रहे हैं। मौसम जो है अब ख़राब ही है, तो क्या ही कैंपिंग होगी। तो सब कुछ पैक करके निकलते हैं यहाँ से, बारिश जैसी थोड़ी हल्की होगी निकल जाएंगे। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। ये देखो क्या मौसम है, ये नदी बह रही है। देखो यार कितनी बर्फ पड़ी थी, बाइक पे भी बर्फ पड़ी हुई है, और सब कुछ जमा जमा सा फील हो रहा है। यहाँ पर भी देखो सब बर्फ पड़ी थी, बारिश भी हुई तो पिघल गई है, और ऊपर देखो टेंट जो है सरवाइव कर गए दोनों, लेकिन पानी जो है काफ़ी ज़्यादा आया।
मतलब इस वाले टेंट, ये वाला टेंट तो वाटर प्रूफ था ही नहीं, तो ये तो भीग ही गया। ये वाले टेंट में अंदर पानी नहीं आया, लेकिन बाहर देखो ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है, तो सब जगह गीला गीला ही है यहाँ पर।